इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के बाद अब यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने लाउड स्पीकर से होने वाले शोर को लेकर बलिया के डीएम से शिकायत की है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर के पास मौजूद मस्जिद में सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से होने वाली अजान की वजह से वो सो नहीं पाते हैं और ना ही योगा अभ्यास और पूजा पाठ कर पाते हैं। इसी की शिकायत करते हुए आनंद स्वरूप ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग की। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से मंत्री ने ये शिकायत डीएम से की है कि सुबह लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। और बाकायदा मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने डीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर के पास मौजूद मस्जिद में सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से होने वाली अजान की वजह से वो सो नहीं पाते हैं और ना ही योगाभ्यास और पूजा पाठ कर पाते हैं। और इसी की शिकायत करते हुए आनंद स्वरूप ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग भी कर डाली है। तो बलिया के डीएम को चिट्ठी लिखी गई है, मंत्री ने लाउड स्पीकर पर एतराज जताया है और लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है और इसी मांग को चिट्ठी में भी लिखा गया है। और चिट्ठी बलिया के डीएम को यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सौंपी है और उसमें बताया है कि सुबह लाउड स्पीकर से अजान जब होती है तो वो अपना योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और इन्हीं कारणों को देते हुए उन्होंने लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की है। बलिया के डीएम को आनंद स्वरूप ने चिट्ठी लिखी है और शोर से सोने में परेशानी होती है ये आनंद स्वरूप ने कहा है। ये अपनी शिकायत उन्होंने कही है और चिट्ठी में डीएम को लिख कर दिया है। तो देखिए, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और अब इसी फहरिस्त में मंत्री जी का भी नाम जुड़ चुका है। और देखिए, यूपी में फिर बेकाबू हो गया है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 638 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 3844 पहुंच गई है। लखनऊ में 232 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। तो कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आप और हम सावधानी बरते और जो लापरवाही हम बीते कई दिनों से बरत रहे थे उन लापरवाहियों को हम छोड़ दें। मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। वो तमाम एहतियात बरतें जो आज से ठीक 1 साल पहले हमने बरतने शुरू किए थे, क्योंकि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि धीरे धीरे करके संख्या में इजाफा हो रहा है। आज की हम बात कर ले तो यूपी में 638 नए केस आए हैं और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसीलिए अब सरकार भी सख्त हो गई है। जरूरी है कि आप भी अपना ध्यान रखें क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके अपनों को खतरे में डाल सकती है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आप जरूर रखें, क्योंकि अगर लापरवाही आप सभी की तरफ से बरती जाएगी तो ये कोरोना और भी तेजी के साथ बढ़ेगा। हालांकि जरूर वैक्सीन देश में लगाई जा रही है लेकिन उसके बावजूद आपको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 3844 पहुंच गई है, लखनऊ में 232 नए मरीज मिले हैं जिसकी वजह से चिंता और भी बढ़ गई है। 1 साल से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही कोरोना संकट पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर यूपी समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बार फिर से कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा और बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। सोमवार को यूपी में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 500 के पार जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए किसी आयोजन पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी लेना अब जरूरी होगा।
तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। यूपी में कोरोना के कमबैक को देखते हुए सोमवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी कर दी गयी, जिसके तहत कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा संक्रमण रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और पहली से 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए एक कोविड अस्पताल भी तैयार रहेगा। प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके अलावा जिम्मेदारी से वैक्सीनेशन का काम भी करना होगा। वहीं पहले से तय परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित की जाएंगी। दरअसल फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली का त्योहार भी आ रहा है, साथ ही प्रदेश में साल भर बाद स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर कोरोना पर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में कोरोना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया इलाके के त्रिलोकपुर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण घास फूस के बने घर बताए जा रहे हैं। 8 घर जलकर राख हो गए। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आग लगी और आग ने देखते ही देखते घास फूस से बने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब खबर वाराणसी से, जहां एयरपोर्ट पर 19,75,000 का सोना पकड़ा गया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया, कस्टम विभाग ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पकड़े गए सोने की कीमत 19,75,512 रुपए बताई जा रही है। अंडरवियर में छिपाकर इसे लाया जा रहा था, उसमें चिपकाकर ये सोना लाया जा रहा था। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश को गोली भी लगी है। अस्पताल में बदमाश को भर्ती करवा दिया गया है। बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। बदमाशों पर दर्जन भर लूटपाट और चोरी डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। कन्नौज में फेरी करने वाले युवक पर दबंगों का कहर टूटा। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हो गए। पीड़ित युवक का आरोप है कि पिटाई के बाद दबंगों ने उसकी मोटरसाइकिल और माल को लूट लिया। दबंगों ने युवक पर महिलाओं का पीछा करने का आरोप लगाकर पीटा था। घायल अवस्था में युवक ने पुलिस से मामले की शिकायत की। मामला गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के विशंभरपुर गांव का बताया जा रहा है। उधर बांदा आबकारी विभाग ने शराब की एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब और शराब की खाली बोतलें और ढक्कन बरामद किए हैं। साथ ही टीम ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टीम ने छापेमारी के दौरान मिले माल को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और आगामी समय में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और होली पर्व के मद्देनजर लगातार प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में गुप्त सूचना के आधार पर थाना दरगाह शरीफ के अंतर्गत स्टेशन रोड पर मोहल्ला फ्रीगंज बंद दुकान में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मार कर कई बोतल विदेशी शराब बरामद की है। बरामद अवैध विदेशी शराब की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद अवैध शराब में मिलावट की भी जांच कराई जा रही है और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। और मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर काफी समय से हरथला रेलवे स्टेशन के पास बंद पड़ी एक फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 4 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन छात्र बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू, मास्टर चाबियों का एक गुच्छा, लोहे की रॉड सहित कई ऐसे सामान बरामद किए हैं जो इनके द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक ये अपराधी काफी शातिर हैं और इनके द्वारा काफी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। आज भी ये बदमाश किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में निकले थे, जिसके वक्त रहते मुखबिर से सूचना मिली।
फरुखाबाद के ग्राम चांदपुर के पास बरेली की ओर से जा रहे ट्रक में अफीम होने की सूचना पर शहर कोतवाल वेद प्रकाश पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ मशीनी चौराहे पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बेवर की ओर से आते ट्रक ने पुलिस टीम को देखकर वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान चालक दिनेश राजपूत के ट्रक से 13 किलो अफीम बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 किलो अफीम की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्य अभियुक्त दिनेश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर बाराबंकी से। वैसे तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में हर किसी को अच्छा इलाज मिल रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आप एबीपी गंगा की इस रियलिटी चेक में देखिए। यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन स्वास्थ्य सेवाओं का बखान किया जा रहा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इन तस्वीरों को देखिए। बरेली ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीर है, जहां तक नजर जाएगी अस्पताल में मरीज खचाखच भरे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा। यहां मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों के कंधों पर है। जबलपुरवा से कोटवा धाम जाते हुए देवीगंज चौराहे भीतरपुर में कैसे किसी से कितने लोग हैं इंजर्ड इसमें? ट्रॉमा सेंटर के स्ट्रेचर पर तस्वीरों में दिख रहे ये वो गंभीर मरीज हैं, जो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल है। परिजन मरहम पट्टी के लिए इंतजार में लगे हैं। मरीज दर्द से कराह रहा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब वार्ड बॉय या सफाई कर्मी आकर इनका इलाज करे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है और एक दो जो हैं भी उन्हें फोन पर बात करने से फुर्सत नहीं है। जिला चिकित्सालय में जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें चिकित्सकों और स्टाफ नर्स आदि की जो है पूरी संख्या है, और उसको यहाँ की आवश्यकता के देखते हुए सारी व्यवस्थाएं हैं प्रचुर मात्रा में। मगर कभी कभी जब अत्यधिक एक अल्प अवधि में अत्यधिक मरीज आ जाते हैं तो उस समय थोड़ी सी अव्यवस्था कई बार हो जाती है, उसको तुरंत व्यवस्थित कर दिया जाता है। ट्रॉमा सेंटर के साथ ही दूसरी तस्वीर अस्पताल के उन वार्डों की भी, जहां गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया है। यहां भी स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। कोरोना का कहर है, बावजूद इसके जिम्मेदारी का पालन नहीं किया जा रहा। ये कोरोना भी बढ़ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपके माध्यम से भी हम जान रहे हैं, पर हमारे लिए चिंता का विषय है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीबन 1000 से लेकर 1500 नए मरीज आते हैं। इसके अलावा पुराने भी मरीज आते हैं। सबको नियमित रूप से मास्क के लिए कहना, सबको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहना, जनता जागरूक नहीं है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ये हम लोगों की कि संक्रमण आदि न हो, न फैले, ये हमारी समस्या है। बाराबंकी जिले में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई। जिला मुख्यालय का ट्रामा सेंटर रेफर सेंटर बन चुका है। लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते यहाँ आए दिन भीषण सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं सिर्फ राम भरोसे हैं। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश की रिपोर्ट। और वहीं पीलीभीत में सरेराह चलते कार सवार राहगीरों ने बाघिन और उसके साथ शावकों के चहलकदमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो माधो टांडा थाना क्षेत्र के खटीमा मार्ग का बताया जा रहा है। बाघिन का शावकों के साथ चहलकदमी का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम को मॉनिटरिंग के लिए रवाना कर दिया गया। बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन हालात में कुंभ में श्रद्धालुओं को खुली छूट देना सही होगा। खुद सीएम ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में मामला और भी गंभीर हो गया है।
सीएम तीरथ रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर फिर से संशय होने लगा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी से मेला प्रशासन हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो महाकुंभ के समय क्या होगा। एक अप्रैल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साफ कर चुके हैं कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं होंगी। श्रद्धालुओं को सिर्फ मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर व्यवस्था यही रही तो कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाएगा। मेलाधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि कुंभ के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की SOP ही जारी होगी। ये SOPs तो 1 से 30 तक लागू होंगी, तो उसका पूर्णतया पालन किया जाएगा। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निशंक, मदन कौशिक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई विधायक मौजूद थे। सीएम की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, मेला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आने लगा। अधिकारी अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे की थोड़ा ज्यादा घनत्व है, ज्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल ही मैंने CMO साहब से कहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड इसका है, ताकि समय रहते ही जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो हम ले सके। मेला अधिकारी के बयान से साफ है कि प्रशासन के पास अभी भी कोरोना संक्रमण के मौजूदा ट्रेंड को लेकर कोई सही आंकड़े नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कोरोना महामारी के बीच क्या कुंभ में खुली छूट देना सही है। जब सूबे के मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बाकी सरकारी मशीनरी को कोरोना से कौन बचाएगा। ABP गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ की रौनक बढ़ती जा रही है। अखाड़ों के शिविर के साथ ही शंकराचार्य नगर में दो पीठों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। चंडी टापू पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। 9 अप्रैल को शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचेंगे। शंकराचार्य नगर में देश विदेश से उनके अनुयायी भी शिरकत करने आएंगे। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। मार्च महीने के आखिरी आ गया है, लेकिन अभी भी बर्फबारी होना सबको हैरान कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम दोनों ही जगहों पर आज बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। मंदिर समिति और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन फिर से बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों में खलल पड़ रहा है। उधर मदमहेश्वर धाम, तुंगनाथ समेत दूसरे कई अहम तीर्थ में भी मौसम बदल गया है। वहीं जोशीमठ में भी मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, लेकिन उससे पहले बर्फबारी हो रही है, जिससे बद्रीनाथ की यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही नरनारायण, स्वर्गारोहिणी, माड़ा, सतोपंथ और नीलकंठ की चोटियों पर बर्फबारी हुई। उधर हेमकुंड साहिब में भी खूब बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास के क्षेत्र में अभी भी करीब 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो वहीं लक्ष्मण, लोकपाल मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड में बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। घांगरिया से आगे अब काफी बर्फ जमा हो गई है, जिसे हटाने के लिए काफी दिक्कतें सामने आ सकती है।